अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मल हुसैन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और इसमें स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। इसमें गिवन है हमारे पास, इफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की पावर 2, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट गिवन है, इसका यूज़ करते हुए हमने डबल डेरिवेटिव तक जाना है और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर फॉर्म में, और माइनस एक्स बाय वन डेरिवेटिव है, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये एक्सप्रेशन हमने इक्वल टू जीरो साबित करवाना है। तो प्रूफ में हम लेकर चलेंगे ये वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज होल स्क्वायर। तो सिंपल आपने इसका डिफरेंशिएट करना है, पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेना है x के एतबार से। तो x के हिसाब से y का डेरिवेटिव होता है dy वाई बाय डी एक्स, और इस साइड पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। जबकि ये पावर में होल स्क्वायर आ रहा है तो पहले हम इसका पावर रूल लगाएंगे, तो पावर इसकी लिखेंगे हम शुरू में, और पावर से कम करेंगे तो cos इनवर्स x की पावर 1, और अगेन विदाउट पावर कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, कॉज इनवर्स का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा विदाउट पावर। अब इसको अगेन इसका कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई वन लिख सकते हैं नोटेशन फॉर्म में, और यहाँ से ये आ जाएगा टू कॉज इनवर्स एक्स। कॉज इनवर्स का फार्मूला आपको याद है, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस कर रखा है। कॉज इनवर्स होता है हमारे पास माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट होता है। कॉज इनवर्स का ये डेरिवेटिव आपने याद रखना है, कॉज इनवर्स किसके इक्वल होता है, माइनस वन बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसके बाद फर्दर आप इस बटे वाली वैल्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, ये डिवाइड हो रही है, तो ये इस तरफ आपको हो जाएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर रूट वाई वन के साथ, और ये रिमेनिंग वैल्यू आ जाएंगी टू कॉज इनवर्स एक्स। जबकि प्रूफ में हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र नहीं आ रहा, तो इस कॉज इनवर्स को चेंज करना चाहते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन में, तो इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये कॉज इनवर्स का स्क्वायर बन जाएगा जो कि वाई के इक्वल है, तो उसको हम वाई से रिप्लेस करवा सकेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस स्टेप में, दोनों तरफ इसका लेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसका अलहदा से स्क्वायर आ जाएगा वाई वन का स्क्वायर आ जाएगा, और ये टू कॉस इनवर्स एक्स इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टू इस स्क्वायर से कैंसिल होकर ये वन माइनस एक्स की पावर टू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर अलहदा से राइट करेंगे तो फोर हो जाएगा, जबकि कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कॉस इनवर्स का जो सॉरी होल स्क्वायर है ये y की इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे 4y का ओनली y आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x के होल स्क्वायर की इक्वल है, तो इसने हमें y से रिप्लेस करवा देना। यहाँ से इसका फर्दर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आ रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास और ये इसका सेकंड फंक्शन है। तो भाई प्रोडक्ट रूल इसको हम लिखते हैं वन माइनस एक्स की पावर टू, ये फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से आ जाएगा जबकि सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, प्लस लगाएंगे और ये फर्स्ट सेकेंड फंक्शन उसी तरह से जबकि सेकेंड का वन माइनस एक्स की पावर टू का डेरिवेटिव, और इसी तरह इक्वल में फोर कॉन्स्टेंट ये स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी तरह से आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 उसी तरह से जबकि y 1 का स्क्वायर आ रहा है, तो पावर लगाएंगे पहले पावर 2 शुरू में आ जाएगा y 1, और y 1 का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो y 2 में इस डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, और यहाँ से y 1 स्क्वायर उसी तरह से जबकि 1 का अलहदा डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स की पावर 2 का पावर शुरू में आएगी, पावर लगा देंगे, पावर में से कम करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और फर्दर एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। तो इस साइड पे भी फोर और वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स या वाई वन इसको लिख सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ से टू वाई वन कॉमन ले सकते हैं, ये वाला टू और ये टू, और साथ में वाई वन भी कॉमन राइट कर सकते हैं, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन माइनस एक्स की पावर टू, और ये आ जाएगा वाई टू, ये प्लस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस,
वाई वन की पावर टू में से एक पावर कम करके लिखेंगे कि एक कॉमन में है हमारे पास, वाई वन आ जाएगा, टू भी हमारे पास कॉमन में है, तो ये एक्स वाई वन लिख देते हैं। और इसी तरह इस साइड पर आ जाएगा फोर वाई वन, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हुए टू वाई वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स की पावर टू वाई टू प्लस सॉरी यह आ जाएगा माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू फोर वाई वन डिवाइडेड बाय टू वाई वन। तो ये वाई वन से वाई वन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, टू टू को फोर से करेंगे तो यह आ जाएगा फोर, टू टू टाइम फोर तो ये टू आ जाएगा। यहाँ से वन माइनस एक्स की पावर टू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू टू, और मज़ीद इसको लेफ्ट साइड से हमने शिफ्ट करना है तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स की पावर टू वाई टू माइनस एक्स वाई वन, और ये टू इस तरफ अगर माइनस का टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो एट है वो प्रूव हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। लास्ट क्वेश्चन नंबर इसका नाइन है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए कॉस नेचुरल लॉग x प्लस बी साइन नेचुरल लॉग x, तो देन प्रूव दैट x की पावर टू डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव इसका लेना है प्लस x dy वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो प्रूव में हम सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू ए कॉस नेचुरल लॉग x प्लस बी साइन नेचुरल लॉग x, तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, तो वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी तरह इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस नेचुरल लॉग एक्स, ए कांस्टेंट है तो उसको अलग राइट कर देंगे शुरू में, कॉस नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी आ जाएगा शुरू में डेरिवेटिव साइन नेचुरल लॉग एक्स का, और वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, ए उसी तरह से आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, जबकि नेचुरल लॉग का अगेन डेरिवेटिव लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दोबारा आ जाएगा। इसी तरह बी आ जाएगा साइन नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और अगेन नेचुरल लॉग का अलग से डेरिवेटिव आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इसे हम राइट कर सकते हैं माइनस ए साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, और इसी तरह बी कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे वन बाय एक्स, और यहाँ से वन बाय एक्स को कॉमन लेकर दूसरी तरफ जो है वह मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं वन बाय एक्स ये वाला और ये दोनों, यहाँ से आ जाएगा इस तरफ तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव तक आ गया, जबकि हमने इसको प्रूव करवाना है सेकंड डेरिवेटिव तक, इसको अगेन सिंपल इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स उसी तरह से, और डेरिवेटिव लिखेंगे हम डी वाई बाय डी एक्स का, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह डेरिवेटिव सेकंड का, जबकि प्लस में डी वाई बाय डी एक्स जो है ये उसी तरह आ जाएगा सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव मीन एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना इसके ऊपर, एक्स फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव प्लस में डी वाई डी एक्स उसी तरह से आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव बराबर में माइनस ए उसी तरह से लिखेंगे, जबकि डेरिवेटिव हम लिखेंगे साइन नेचुरल लॉग एक्स का, साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और प्लस में बी आ जाएगा जबकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो अब इनका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी बाय डी एक्स का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा डी डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स का डेरिवेटिव ये वन बन जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स इसको राइट कर सकते हैं, एक्स का डेरिवेटिव वन है, और माइनस ए उसी तरह से जबकि साइन का डेरिवेटिव पहले अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस नेचुरल लॉग एक्स एज ए नेचुरल लॉग एक्स, और नेचुरल लॉग एक्स का अगेन डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो वन बाय एक्स आ जाएगा डायरेक्टली इसमें राइट कर दिया, और यहाँ से कॉस का आ जाएगा माइनस तो प्लस आ रहा है पहले प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस,
बी और कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन नेचुरल लॉग एक्स, और नेचुरल लॉग एक्स का अगेन वन अपॉन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से वन बाई एक्स को और माइनस को भी कॉमन राइट कर लें, तो ये जो एक्स है ये इस तरफ अगर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर टू हो जाएगी। डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस में एक्स इससे भी ज़रा हो जाएगा, ये जो एक्स और एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से माइनस वाई कॉमन लिखें तो ये रिमेनिंग सवाल है ए कॉज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये सारा हमारा स्टार्टिंग में जो लेकर चले थे वाई के इक्वल है सारे का सारा, इसको हम वाई से रिप्लेस करवा देंगे तो ये माइनस का वाई बन जाएगा। तो माइनस का वाई हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये एक्स की पावर टू डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, और ये माइनस का वाई जो है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का वाई हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो प्रूव हो गया, एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।